नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, मोड्स ऑफ कंजर्वेशन. मोड्स ऑफ कंजर्वेशन, तो दो तरीके की कंजर्वेशन जो है वो आपकी की जाती है. इनको कंजर्व जो है वो दो तरीके से किया जाता है. फर्स्ट होता है आपका इनसीटू कंजर्वेशन, इनसीटू. सेकेंड होती है एक्सीटू. इनसीटू, जैसे उनका नाम सजेस्ट कर रहा है कि इनसीटू का मतलब है जो भी जानवर जो है या प्लांट जो है अगर उसको कंजर्व करना है तो हम जो उसकी नेचुरल हैबिटेट जो होगी उसी के अंदर रख के जो है उसको कंजर्व करेंगे. ठीक है, मतलब उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा. उसी पर्टिकुलर जगह पे जिस जगह पे वो रह रहा है उसी जगह पे हम कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेंगे जिस वजह से उसकी पॉपुलेशन जो है उसको कंजर्व किया जा सके या उसकी पॉपुलेशन जो डिक्लाइन होती जा रही है उसको बचाया जा सके. ठीक है, नेक्स्ट होती है एक्सीटू. एक्सीटू में क्या होता है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट, ऐसी पर्टिकुलर जगह पे उसको शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पे उसकी अच्छे से देखभाल जो है वो की जा सके. ठीक है, यहां पे उसको नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही रहने दिया जाता है. मतलब यहां पे जो है जहां पे वो जंगल में रह रहा था उसको जंगल में ही रहने दिया जाएगा. यहां पे क्या किया जाएगा, उसको जंगल से शिफ्ट करके किसी एक्सटर्नल प्लेस पे जो है वो लेके जाया जाएगा. और वो एक्सटर्नल प्लेस क्या होती है, मान लो आपका जो है प्राइवेट जू जो है वे प्राइवेट जू, वहां पे ले जाया जाएगा या फिर उनको जू में जो है वो रख दिया जाएगा या ऐसे ही. और जो आपके एक्सीटू मेथड जो होते हैं वहां पे जो है उनको ले जाया जाएगा. उसके अलावा क्या क्या आते हैं अब इंसिटू में वो देख लो. सबसे पहले आते हैं आपके नेशनल पार्क्स. ठीक है, तो अभी जो है वो हमारे आई थिंक 106 या 107, 106 नेशनल पार्क्स हैं अभी तक इंडिया में. ठीक है, 106 के इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको कैसे याद करना है वो बताऊंगा मैं आपको. सेकेंड है आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, ये टोटल 18 हैं, इनको याद करना है आपको. ठीक है, इनको याद करना है. नेक्स्ट आ गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, ये 500 प्लस हैं, 567 इन टोटल है. ठीक है, इनको भी याद नहीं करना है. नेक्स्ट आ जाओ वेटलैंड्स. वेटलैंड वैसे इसका पार्ट नहीं होते, वैसे 75 वेटलैंड्स हैं, याद रखना, आगे जाके करेंगे कवर. ठीक है, तो ये सारे जो है ये इन सीटू मेथड्स हैं इनको कंजर्व करने के. उसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं. कंजर्वेशन रिजर्व्स, इस टेबल को बना लो, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स. कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया एक कम्युनिटी मिलके जो है या गांव के बाहर का पर्टिकुलर एरिया जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कम्युनिटी रिजर्व और उसको जो है उसकी देखभाल की जो भी जिम्मेदारी जो है वो लोगों को दे दी जाती है. ठीक है, और वो जो है वो वहां पे देखते हैं कि किसी तरीके का वहां पे जो जानवर रह रहे हैं उनका शिकार जो है कहीं वो ना हो जाए, तो वो चीज जो है वो ध्यान रखना किनका काम होता है, गांव वालों का. ठीक है, तो वो चीज कहलाती है आपकी कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व. पर्टिकुलर एरिया को कंजर्वेशन एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है इसमें. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये जो है ये कर सकती है. ठीक है, ये हो गए सारे आपके इन सीटू कि जानवर जो है स्पीसीज जो है प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की उनको कहीं और जो है वो ना ले जाया जाए, वहीं जहां पे वो रह रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए. नेक्स्ट आते हैं आपके ये एक्सीटू. एक्सीटू में आपके आ जाते हैं बोटैनिकल गार्डन्स. आपकी यूनिवर्सिटी जो है आप वहां पे गार्डन जो है वो आप देख सकते हो. कई बार स्कूल जो होते हैं वहां पे भी बने हुए होते हैं बोटैनिकल गार्डन. ये स्पेशली प्लांट स्पीसीज के लिए जो है वो बनाए जाते हैं ताकि प्लांट्स की स्पीसीज जो है उनको प्रिजर्व किया जा सके या उनको कंजर्व किया जा सके, बोटैनिकल गार्डन. उसके अलावा हॉर्टिकल्चर गार्डन, हॉर्टिकल्चर गार्डन. नेक्स्ट लिखो रिक्रिएशनल गार्डन, सीड बैंक्स, रिक्रिएशनल गार्डन, सीड बैंक्स, जू, रिक्रिएशनल जू. तो ऐसी चीजें जो है जब जानवरों को या फिर प्लांट्स को या आपकी बायोडाइवर्सिटी को कहा क्या किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, वहां पे जाके उनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, वो क्या कहलाएगी, एक्सीटू. ठीक है, अब इन सीटू के बारे में लिख लो. फर्स्ट लिखो नेशनल पार्क. नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो रखी जाती है. ठीक है, और किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं की जाती. ठीक है, तो ये मान लो ये आपका पर्टिकुलर एरिया है. ठीक है, अब ये पूरे के पूरे एरिया को क्या कर दिया इन्होंने, नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर कर दिया. तो यहाँ पे जो है कोई भी इंसान जो है यहाँ से लकड़ी नहीं तोड़ सकता. ठीक है, और भी वेरियस जो है यहाँ पे रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन जो है वो लगाई जाती है. यहाँ पे शिकार जो है वो नहीं किया जा सकता, हंटिंग पोचिंग इलीगल होती है यहाँ पे, लकड़ी काटना भी यहाँ तक इवन जो है यहाँ पे ऑफेंस जो है ये माना जाता है. अब मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, इतने इतने एरिया में
कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो रहती है, ठीक है। तो उनका क्या होगा, अब वो तो अपना जो जो घर बार जो है या अपना जो दिनचर्या जो है वो उसी तरीके से बिताते हैं कि जंगल से लकड़ी काटते हैं, उससे अपना चूल्हा वगैरह जो वो जलाते हैं, और जो जानवर जो होते हैं उनका शिकार करते हैं और उससे जो है अपना पेट जो है वो भरते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके ट्राइबल एरिया। अब ये किस में पड़ रहा है, आपके नेशनल पार्क में। तो सिर्फ इतने पर्टिकुलर एरिया को जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे नेशनल पार्क की टेरिटरी से, और ये जो है ये यहाँ पे अपना जो है फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपका नेशनल पार्क। उसके अलावा जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, वहां पे ये एक्टिविटीज जो है उनको जो है वो अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे इनको इन एक्टिविटीज को जो है वो अलाउ कर देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या फिर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है या तो वो डिक्लेयर कर देंगे, मतलब इन एनी केस इस पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क के अंदर जो है वो नहीं रखा जाएगा, उसकी ज्यूरिसडिक्शन से ये चीज जो है ये बाहर रहती है, ठीक है, नेशनल पार्क की ज्यूरिसडिक्शन से। तो यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज जो है, जैसे थोड़ी बहुत लकड़ी जो है वो काट सकते हैं यहाँ से, और कुछ शिकार करना हो तो वो भी जो है वो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है या ये पर्टिकुलर लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया नेशनल पार्क के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उसको या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देंगे या फिर इतना कह देंगे कि ये इतना एरिया नेशनल पार्क के अंदर नहीं आता, ठीक है। ये था आपका नेशनल पार्क। लिखो उसके अलावा जो नेशनल पार्क जो आपका बनाया जाता है वो पर्टिकुलर इसके लिए जो है पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए नहीं बनाया जाता। मान लो हमें क्या करना है, वल्चर्स की स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, वल्चर इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इतना बड़ा नेशनल पार्क जो है वो नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क जो है वो नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए जो है वो बनाई जा सकती है, पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, बी इट एनिमल, बी इट बर्ड, बी इट एनीथिंग, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका नेशनल पार्क हो गया। उसके इतने पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ और सिर्फ वल्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इतने पर्टिकुलर एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि डिफरेंस जो है वो पूछ लेते हैं आपके नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपके बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो आपको पता होना चाहिए। जनरली नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में डिफरेंस जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो लिखो स्टेट गवर्नमेंट कैन, नेशनल पार्क का लिखो, स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया एज नेशनल पार्क एंड इट इज प्रोवाइडेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इट इज प्रोवाइडेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये एक्ट भी आज हमें कवर करने हैं, ठीक है सारे। नेक्स्ट को कलेक्टर सेटल एंड डिक्लेयर क्लेम्स, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो यहाँ पे जितने भी क्लेम्स वगैरह जो होते हैं उनको सेटल करने का काम जो है वो किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। देखो कलेक्टर सेटल एंड डिक्लेयर क्लेम्स। नेक्स्ट देखो वंस द लैंड इज एक्वायर्ड सेटल और क्लेम का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इतने पर्टिकुलर एरिया के लोगों को बोलेंगे कि या तो आप यहाँ पे आ जाओ, हमसे क्लेम जो है वो ले लो, ठीक है, या फिर इतने पर्टिकुलर एरिया को इससे बाहर रख दिया जाएगा नेशनल पार्क से, ठीक है। तो मान लो कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है तो उनको बोल दिया जाएगा कि आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, अगर वो नहीं मानेंगे तो देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो देख लिया जाएगा कि इतने पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क से एक्सक्लूड करना है या फिर किस तरीके से जो है वो चीजें जो है उनको वो करना है, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। नेक्स्ट आ जाओ, वंस द लैंड इज एक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इट इज डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल पार्क और ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह एक्टिविटी जो है वो भी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजिंग जो है वो भी प्रोहिबिटेड होती है। देखो नो ग्रेजिंग एक्टिविटी इज अलाउड इनसाइड द नेशनल पार्क। नेक्स्ट लिखो टूरिज्म जो है वो अलाउ होता है लेकिन परमिशन के साथ। स्टार मार्क करके एक चीज लिख लो यहाँ पे, नॉट फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज,
किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए नेशनल पार्क नहीं बनाया जाता, ऑल ओवर द बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बनाना हो तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई जाती है। लिख लो नॉट फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज और स्टार मार्क करके लिख लो चीज, अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट आ जाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें लिखो स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर State government can declare an area as wildlife sanctuary. State government can declare an area as wildlife sanctuary provided by Wildlife Protection Act 1972. Provided by Wildlife Protection Act 1972. लिखो कलेक्टर सेटल एंड डिक्लेयर क्लेम्स। अब दोनों में कंपैरिजन पूछ लें तो इसमें जो है जो चीज इनमें कॉमन है वो भी आपको बता दी है और जो डिफरेंस होगा वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। वो भी आप लिखना है, मतलब दोनों चीजें आपको बतानी चाहिए। लिखो वंस द लैंड इज एक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वंस द लैंड इज एक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इट इज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टार मार्क करके एक चीज लिखो, द कम्युनिटीज अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को WS लिख लिया करो, नेशनल पार्क को NP लिख लिया करो, सिर्फ नोट्स में जब आंसर लिखना है वहां पे कंप्लीट लिखना है। कहां थे हम, द कम्युनिटीज अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव द राइट टू स्टे इनसाइड, हैव द राइट टू स्टे इनसाइड। नेक्स्ट पॉइंट, they can carry grazing activities, they can carry grazing activities and movement of livestock is allowed, and movement of livestock is allowed। next go, only the state government has the power to alter the boundaries of wildlife sanctuary, to alter the boundaries of wildlife sanctuary। next likho, chief wildlife warden can give permission for activities like, chief wildlife warden can give permission for activities like tourism, comma grazing and movement of livestock, and movement of livestock। स्टार मार्क करके एक चीज लिखो, कैन बी फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बना सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी नेशनल पार्क की वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए नहीं बनाया जाता, ठीक है। उसमें मल्टीपल स्पीसीज जो एग्जिस्ट करती हैं एक साथ, कैन बी फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज। अब डिफरेंसेस लिख लो दोनों में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। लिखो नेशनल पार्क एंजॉय greater degree of freedom than wildlife sanctuary, than wildlife sanctuary। यहां पे एनिमल्स की फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है, कि एनिमल्स को कोई तंग करने वाला नहीं है, वो जहां जाए जहां उनकी मर्जी है वहां जा सकते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में। तो एनिमल्स की फ्रीडम की बात हो रही है यहां पे, कहीं मतलब आप सोचो ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो जो लोग जो है उनको ग्रेजिंग एक्टिविटी करने को मिल रही है वो वहां रह सकते हैं, वहां आ जा सकते हैं, नेशनल पार्क में वो एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते, लकड़ी भी नहीं काट सकते, तो ज्यादा फ्रीडम तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होनी चाहिए। लेकिन किसकी फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पे, जानवरों की। कंजर्वेशन किन की हो रही है, जानवरों की, ठीक है। तो जानवरों की फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पे, नेशनल पार्क एंजॉय ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रैकेट में एनिमल्स लिख लेना, फ्रीडम ऑफ एनिमल्स। सेकेंड लिखो सर्टेन एक्टिविटीज विच आर रेगुलेटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लो क्या हुआ, रात को आंधी आई, ठीक है, तो लकड़ियां जो थी वो टूट के गिर गई, ठीक है,
अब लोग जो है वो चीफ वार्डन के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि देखो ऐसा है कि वो जो पेड़ जो था ना वो कटके गिर गया, रात को आंधी आई तो पेड़ उस वजह से कटके गिर गया। तो वार्डन ने क्या बोला था कि आपको पेड़ जो है उसको काटना नहीं है, अब वो खुद से कटके गिर गया, तो चीफ वार्डन उनको वहां पे क्या बोल देगा कि वहां पे उनके ऊपर रेगुलेशन जो है वो लगा देगा कि मान लो अगर पेड़ खुद से कटके गिर गया तो चलो तुम ऐसा करो वो लकड़ी को उठा के जाके अपने यूज में ले आओ, ठीक है। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है कहां पे, नेशनल पार्क में, ठीक है। तो वहां पे रेगुलेट की जाती है और नेशनल पार्क में आपकी प्रोहिबिट कर दी जाती है कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। Wildlife sanctuary can be created for a particular species, but national park cannot be created for particular species. Next, आ जाओ, conservation reserve and community reserve. लिखो, these are the outcomes of the amendment of Wildlife Protection Act 2003. Year important है, पिछली वाले 1976 से बना था, 72 से बना था, ठीक है। Wildlife Protection Act, National Park किससे बनता है? Wildlife Protection Act 1972 से, Wildlife भी 1972 वाले Act से बनती है, ठीक है। जो आपके Community और Conservation Reserves जो है वो किससे बनते हैं? Wildlife Protection Act 2003. देखो, these are the outcome of Amendment to Wildlife Protection Act 2003. लिखो, it provided for the mechanism to provide recognition and legal backing to community initiated action in wildlife protection. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्शन जो है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया जाएगा? कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, कंजर्वेशन रिजर्व। अब दोनों के बारे में अलग अलग लिख लेते हैं ना। लिखो कंजर्वेशन रिजर्व, लिखो, it is an area owned by state government adjacent to जो आपका नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना उसके साथ लगता वाला एरिया जो है जनरली वो एरिया होता है आपका कंजर्वेशन रिजर्व। adjacent to नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी for protecting landscape and habitat of flora and fauna. लिखो, it is managed through conservation reserve management committee. Full stop. Government after having consultations with local communities can declare that area as conservation reserve. Next, लिखो community reserve. लिखो, community reserve can be declared by state government in any private or community land not comprised within a national park or a sanctuary. लिखो, here a community has volunteer to conserve wildlife and its habitat. Here a community has volunteered to conserve wildlife and its habitat. It is managed through
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मैनेज्ड थ्रू कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। जो कंजर्वेशन रिजर्व था वो किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा था? कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। ये वाला कम्युनिटी रिजर्व किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये एक एरिया जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, और उसमें क्या होता है आपका, मान लो ये पूरा एरिया जो है इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसमें तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। सेंट्रल वाला पार्ट होता है जिसको कोर एरिया कहते हैं, कोर एरिया। यहाँ पे जो है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो है वो कंडक्ट की जाती है, और जो क्या कहते हैं आपके जो जेनेटिक स्टडीज जो है एनिमल्स की वो जो है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स की। ठीक है, कोई इन्वेजिव स्पीसीज तो नहीं आ रही, अगर वो स्पीसीज आ गई है तो वो स्पीसीज को जो है वो स्टडी किया जाएगा यहाँ पे, और उसके अलावा वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे स्टडी वगैरह जो है वो की जाती है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका कोर एरिया। कोर एरिया के बाद आता है आपका ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन एरिया, और उसके बाद आता है सबसे ऊपर आपका बफर जोन, बफर जोन। ठीक है, तो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। ये ट्रांजिशन एरिया जो है ये बफर जोन और कोर एरिया के बीच का एरिया जो है उसको ट्रांजिशन एरिया जो है ये कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है कोर एरिया पे लगाई जाएंगी, उससे कम ट्रांजिशन पे, और सबसे कम जो है वो बफर जोन पे जो है रिस्ट्रिक्शन वो लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका, सॉरी गलत हो गया, सेंटर वाला जो है वो है आपका बफर जोन, तो दोनों के बीच में बफर का काम करेगा, और ये वाला जो है ये आपका ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन। ठीक है, अब लिखो इसके बारे में, देखो दीज आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, दीज आर लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट्स, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉमा प्लांट्स एंड एनिमल resources, animal resources and traditional life of tribals, and traditional life of tribals living in that area, living in that area. Likho, it may have one or more national parks, it may have one or more national parks in wildlife or wildlife sanctuary or wildlife sanctuary in it, in it. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर बड़ा एरिया होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके नेशनल पार्क्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा नेशनल पार्क्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा एरिया जो है वो आता है। ठीक है, अब आ जाओ कोर एरिया क्या होता है। कोर एरिया देखो, इट कंप्राइजेज ऑफ strict protection ecosystem, sorry, it comprises of strictly protected ecosystem, strictly protected ecosystem for conservation, conservation of species, conservation of species and genetic variations, genetic variations. Dekho, in the core area, core area, human activities are not allowed. Human activities are not allowed. Next point, core area enjoys maximum degree of protection. Maximum degree of protection. और जो आपकी स्टडी वगैरह जो होती है वो बफर एरिया में होती है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज ही नहीं अलाउड है, तो यहां पे ह्यूमंस नहीं अलाउड होंगे। ह्यूमंस अलाउड होंगे तो वो जो आपके रिसर्च वगैरह जो वो कंडक्ट करेंगे, तो इसी वजह से रिसर्च वगैरह जो है वो आपके बफर एरिया में होती है। लिखो बफर एरिया, इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च कॉमा मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग किस चीज की होती है? मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है या ये सारा पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है,
तो वहां पे कितने एनिमल्स हैं, एनिमल्स की कैलकुलेशन भी तो होती है ना, कि टैग्स वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं एनिमल्स के ऊपर, लेपर्ड्स के ऊपर टैग जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। और लेपर्ड्स के ऊपर जो टैग लगाए जा रहे थे वो पिछले दिनों जो है वो काफी न्यूज में थे, उन टैग्स की वजह से लेपर्ड जो थे उनकी डेथ हो रही थी, उनके गले में जो पट्टा बांधा जाता था वो जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाता था, जिस वजह से इनकी डेथ जो है वो हो रही थी, ठीक है। तो वो जो है उनकी काउंटिंग जो है किस तरीके से होगी, वो सारा काम जो है वो कहाँ पे किया जाता है, बफर जोन में, मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। तो ये सारा काम कहां पे होता है, आपका बफर जोन में। लास्ट आ जाओ ट्रांजिशन एरिया, यहां पे क्या क्या होता है, लिखो, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स कॉमा इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टूरिज्म इज परमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट, विद द कॉपरेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल। नेक्स्ट आ जाओ सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक सेटलमेंट्स कॉमा क्रॉपिंग, ठीक है, वहां पे क्रॉप्स भी जो है वो आप उगा सकते हो, क्रॉपिंग कॉमा रिक्रिएशन एंड फॉरेस्ट्री आर कैरिड आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में है उनके नाम लिख लो, मैंने आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनके नाम लिखो। फर्स्ट लिखो नीलगिरी, साथ में पीआर लगाते रहना, बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी पीआर। ये कहां पे आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु पे जो आपकी नीलगिरी के जो रेंजेस हमने की थी ना ज्योग्राफी में, ये वही है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये इंपॉर्टेंट है 18 के 18, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट लिखो नंदा देवी, ये है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट लिखो गल्फ ऑफ मन्नार, ये है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट लिखो नॉकरेक है मेघालय में। नेक्स्ट लिखो सुंदरबंस, ये आपके वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट लिखो मानास, ये है आपका असम में, काफी न्यूज में रहता है मानास। नेक्स्ट लिखो सिमलीपाल, ये आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट लिखो दिहांग दिबांग नदी की थी ना हमने, ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग हो जाता है, दिहांग दिबांग, ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट लिखो पंचपड़ी, ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट लिखो अगस्त्यमलाई, ये है आपका केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री पे पड़ता ही है। नेक्स्ट लिखो ग्रेट निकोबार, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वहां पे है। नेक्स्ट लिखो पन्ना है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट लिखो शीशा चलम, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट लिखो अचना कमर अमरकंटक, जहां से आपकी नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू पे, कहां से, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वहां पे आपने किया था ना अचना कमर अमरकंटक, तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पे आएगा ये आपका अमरकंटक प्लेट्यू के ऊपर, स्टेट कौन सी आएगी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट लिखो डिब्रू शिखोवा, ये है आपका असम में। नेक्स्ट लिखो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, ये है आपका गुजरात में। नेक्स्ट लिखो कोल्ड डेजर्ट, ये है आपका वहां पे, नाम है इसका लाहौल स्पीति को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ये आपका जो आपका है हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट देखो कंचनजंगा, कंचनजंगा ये आपका सिक्किम में, ठीक है। तो ये है आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है 1971 का, तो जो हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, उनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ऐसे हैं जो कि यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जो है उनको ऐड किया हुआ है, ठीक है। वो जो है वो 11 आपको जो है वो ढूंढ के अलग से लिखने हैं, ठीक है। आपके जो नोट्स हैं वो वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको अलग से जो है वो लिखना है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से 18 में से कौन से 11 जो है वो यूनेस्को मैन्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आ जाओ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये क्या होते हैं, देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द रीजन्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजन्स विद हाई स्पीसीज रिचनेस, हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि मान लो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उस वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाएगी, वो चीज क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है आपकी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो कहलाती है, ठीक है। वो स्पीसीज जो है मतलब वो वहां पे एंडमिक है, वहीं पे जो है वो आपकी वो स्पीसीज जो है वो पाई जाएगी, ठीक है। लिखो द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट, ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर, एन ओ आर एम ए एन, नॉर्मन मेयर एम ए वाई ई आर, इन्वेंटेड द टर्म, इन्वेंटेड द टर्म इन 1988, इन 1988 टू क्वालिफाई एज अ हॉटस्पॉट। किसी भी जगह को हॉटस्पॉट कब डिक्लेयर किया जाएगा, उसके लिए दो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी हैं, टू क्वालिफाई एज अ हॉटस्पॉट अ रीजन मस्ट फुलफिल, अ रीजन मस्ट फुलफिल टू क्राइटेरियाज, टू क्राइटेरियाज। पहला है इट मस्ट कंटेन, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ, इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक, एज एंडेमिक, कि 1500 स्पीसीज जो है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे जगह जो है उसी जगह के एंडेमिक जो है वो हो, ठीक है, वहीं पे जो है वो पाई जाए। सेकेंड इट मस्ट हैव, इट मस्ट हैव लॉस्ट एट लीस्ट, लॉस्ट एट लीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। तो पहली कंडीशन क्या है कि वहां पे 1500 प्लांट स्पीसीज जो है वो ऐसी हो जो सिर्फ उसी जगह पे पाई जाए। सेकंड, जो उसकी ओरिजिनल हैबिटेट थी उसका 70% जो है वो डैमेज हो चुका हो या खो चुका हो, उसको जो है तभी, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी उस एरिया को जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। इट मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। तो दो बायोडाइवर्सिटी, चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, तो लिख लो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। पहला लिखो हिमालय, हिमालय लिखो, इट इंक्लूड, इट इंक्लूड इंटायर इंडियन हिमालय रीजन, इंटायर इंडियन हिमालय रीजन। सेकेंड लिखो इंडो बर्मा, इंडो बर्मा इसमें लिखो इट इंक्लूड, इट इंक्लूड इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट असम एंड अंडमान ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, अंडमान ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। थर्ड लिखो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका इसमें लिखो इट इंक्लूड्स इंटायर वेस्टर्न घाट्स। फोर्थ लिखो सुंडा आइलैंड, SUNDA सुंडा लैंड लिखो, इट इंक्लूड्स निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, इट इंक्लूड्स निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। टोटल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है आपके 36, बस नंबर पता होना चाहिए कि 36 है, उसके अलावा उनको याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इस पे, इन एक्सीटू करते हैं थोड़ी देर में। अब आते हैं कि आपका ये जो है इन सबको याद कैसे करना है, 106 आपके नेशनल पार्क्स हो गए, 567 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, और आपके जो आपके और क्या थे आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो, हॉटस्पॉट हो गए। अब इनको याद जो है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। नेशनल पार्क,
हाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है, जो तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो तो आपको 18 है, वो तो 18 के 18 आपको याद करने हैं, ठीक है। उनमें से जो 11 है मैन यूनेस्को के मैन प्रोग्राम में, वो भी आपको याद करने हैं। लेकिन ये 106 और ये जो है 580 567, ये कैसे याद करोगे, इनको याद नहीं करना होता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, करंट अफेयर्स जो है वो देखने होते हैं, ठीक है। और उसमें कोई ना कोई आपका ये जो है नेशनल पार्क या आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज में रहता है। जितने भी जिस पर्टिकुलर ईयर में आपने एग्जाम देना है उससे एक साल पहले जितनी भी न्यूज आई उसमें जो जो आपके नेशनल पार्क न्यूज में थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, कोई नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुई, कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई, उनके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। हम क्लास बना देते हैं उनके ऊपर, जो है वो आपको नोट्स जो है इनके साथ जो है वो अलग से ऐड करके यहाँ पे जो है उनको नोट्स को यहाँ पे अटैच कर लेना, ठीक है। सारे के सारे 567 याद करने नहीं बैठने हैं, ना ही वो फिजिकली पॉसिबल है कि वो याद हो पाए, ठीक है। तो आपको जो जो न्यूज में आते रहेंगे, सवाल भी उन्हीं के ऊपर ही आता है, ठीक है। जो न्यूज में होते हैं उन्हीं के ऊपर सवाल जो है पूछा जाता है, ठीक है। सेम गोज फॉर योर वेटलैंड्स, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आपको कितने लिखवाए थे वेटलैंड्स, 75 to 65, इतने वेटलैंड्स जो है वो हमारे हो चुके हैं। तब सारे तो याद करने बैठोगे नहीं। जिन बच्चों को पंजाब का एग्जाम देना है उनको पंजाब के 75 वेटलैंड्स है, उनको पंजाब के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए जो कि रामसार में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये 75 नंबर जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ रामसार वेटलैंड साइट्स का है, ठीक है। रामसार वेटलैंड साइट्स के हैं वो जब हम इकोसिस्टम करेंगे वहां पे बता दूंगा। तो ये नंबर जो है 75, अदरवाइज बहुत से वेटलैंड्स हैं, लेकिन जो रामसार वेटलैंड्स जो है जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं 75। जो बच्चे पंजाब का एग्जाम दे रहे हैं या जो बच्चे अपनी पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उनको उनकी स्टेट में जो रामसार वेटलैंड साइट्स जो है उनका नंबर पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा रामसार वेटलैंड्स जो है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, जो न्यूज में आता है वो याद करना है बस। ये था आपका इनसीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट आ जाओ एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन इसमें लिखो सबसे पहले लिखो सीड बैंक्स। सीड बैंक्स उसके अलावा कुछ आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, राइनो की कंजर्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, राइनो 2020 जो है प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है। एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए एलिफेंट रिजर्व्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, जब भी ये न्यूज में आएंगे ये कवर करने हैं। उसके अलावा हमने टाइगर रिजर्व्स अभी कवर नहीं किए, एलिफेंट रिजर्व्स भी अभी कवर नहीं किए, वो आपके एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे वो वहां पे कवर किए जाएंगे, ठीक है। नई गवर्नमेंट ने जो जो इनिशिएटिव जो है इनके लिए लिए गए हैं, कोई नई ऐप बनाई जाती है जैसे एम स्ट्राइप्स ऐप जो है वो 2016 के आसपास बनाई गई थी, ये टाइगर्स के लिए जो है ये बनाई गई थी, ठीक है। इस तरीके की कोई न्यू ऐप जो है वो बनती है, वो सारे हम एनवायरमेंटल इश्यूज में दोबारा से जो है वो कवर करेंगे। जो जो गवर्नमेंट ने इनके लिए इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं वो भी जो है दोबारा से आपके कवर होंगे। नेक्स्ट आ जाओ एक्सीटू कंजर्वेशन। फर्स्ट लिखो सीड बैंक्स। सीड बैंक्स लिखो स्टोरेज ऑफ सीड्स इन साइंटिफिक मैनर। स्टोरेज ऑफ सीड्स इन साइंटिफिक मैनर। नेक्स्ट लिखो फील्ड जीन बैंक्स। ये सारे एक्सीटू कंजर्वेशन है। फील्ड जीन बैंक्स लिखो लिविंग सैंपल कलेक्शन ऑफ सम अनरूली स्पीसीज, ठीक है। इसमें उनका जो सैंपल जो है वो लेके रख लिया जाता है, उनके जीन्स का सैंपल, ऐसी स्पीसीज का जो जनरली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट लिखो इन वर्टो स्टोरेज। इन वर्टो VIRTO इन वर्टो स्टोरेज लिखो स्पेशली सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड स्पीसीज। नेक्स्ट लिखो पॉलन बैंक्स। यहां पे उन प्लांट्स के जीन्स जो है उनको या पॉलन्स को स्टोर किया जाता है जो कि सीड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनके सीड्स को ना लेके उनके पॉलन्स जो है उनको यहां पे स्टोर कर लिया जाता है। देखो प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड। नेक्स्ट लिखो डीएनए बैंक्स लिखो प्रेजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। उनका डीएनए जो है वो यहां पे स्टोर करके रख लिया जाता है। नेक्स्ट लिखो बोटेनिकल गार्डन्स। लिखो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिपोजिटरी डेमोन्स्ट्रेशन और रिपोजिटरी REPOSITORY
TURY, repository of several varieties of plants including herbs, common shrubs, common trees, etc. Last likho zoos and zoological parks. अब major acts जो है वो लिख लो बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग. फर्स्ट लिखो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो इसके बारे में फिर भी. इंप्लीमेंटेड अंडर ब्रिटिश रूल बेस्ड ऑन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878. It defines a reserve forest, comma protected forest and village forest. Next लिखो जो important है, Wildlife Protection Act 1972. लिखो amended in 1991. दोबारा इसको amend किया गया था 1991 में. इसका objective लिखो, objective क्या था? Control poaching, smuggling and illegal trade in wildlife and its derivatives. Next लिखो Forest Conservation Act 1980. इस पे लिखो to conserve country's forest. Next लिखो Environment Protection Act 1986. Next लिखो National Forest Policy 1988. लिखो maintain ecological balance between atmosphere and all life forms. और इसी में बात की गई थी कि इंडिया को अपना 1/3 एरिया जो है उसको फॉरेस्ट कवर में लेके आना है, यानी कि 33% का एरिया जो है उसको फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करना है. तो लिख लो maintain one third area under forest cover. नेक्स्ट लिखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2021 भी आया, जिसके ऊपर हमने थोड़े दिन पहले जो है वो न्यूज जो है वो बनाई है, ठीक है. तो उसको भी आपको कवर करना है, उसको भी अलग से यहां पे इसके साथ लिख लेना है. लिखो प्रेजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया 2021 का आया हुआ था, अभी लोकसभा में पास हुआ है. ये जो मानसून सेशन हुआ है ना, उसमें ये पास हुआ एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2021. लिखो प्रेजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. नेक्स्ट लिखो नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006. लिखो टू अचीव बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. हम डेवलपमेंट के नाम पे जो है अपने पेड़ पौधे जो है उनको काटते जा रहे थे, जंगल जो है डेवलपमेंट के नाम पे काटे जा रहे थे, जिस वजह से क्या हो रहा था कि आपकी जो वाइल्ड लाइफ जो थी उनका जो है वो जो उनका हैबिटेट जो है वो खो रहा था, जिस वजह से जो आपके जानवर जो थे उनकी ह्यूमन के साथ उनकी इंटरेक्शन ज्यादा हो रही थी, जिस वजह से उनको मार दिया जाता था. तो उनको कंजर्व करने के लिए हमने फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हमने बनाने स्टार्ट किए, ठीक है. तो लिख लो इसमें क्या किया, नेशनल पार्क्स जो थे उसको कैटेगरी 2 के अंदर रखा. लिख लो नेशनल पार्क्स अंडर कैटेगरी 2, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो थी उसको कैटेगरी 4 में रखा और बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको कैटेगरी 5 में रखा गया. उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लाया गया 1973 में. प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992,
प्रोजेक्ट राइनो 2020, ये प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट राइनो 2020, ये लाया गया था 2015 में, सॉरी 2005 में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका बायो डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम कवर करेंगे इकोसिस्टम, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो है वो कौन कौन से होते हैं वो कवर करेंगे, जो आपका फूड चेन होता है वो उसमें कवर होगा, फूड वेब जो होगा वो उसमें कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।